everyone. Today we are going to do chapter number 3, King Bruce and the Spider. Sometimes you may not succeed in what you do. You should not give up. You should try again and again. If you keep trying, you will surely succeed. Each time you fail, try again and see why didn't you succeed. If you find the reason, you can correct it. Each time you try, you learn something new. The way you will soon know what it takes to succeed. So in this paragraph, they have said that whenever you try something new or whenever you are doing a task, something, it's not necessary that you will be successful at the first attempt. You may, that's a lot, because you have done hard work, because of that, you may succeed it. But sometimes you fail. So when you fail, you should not see the failure side, but you should see, you should learn from that failure. What is the reason? You have to find the reason why you failed in that one. And from that failure, you should try and try again till you succeed. Okay, तो जो आपका फेलियर है जिसमें आपके जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए उस चीज़ को देखो, क्या गलती थी उसमें, क्या गलती करी थी, उस गलती को सुधारने की कोशिश करो जब तक आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो जाते. सो इस चैप्टर में जो कहानी दी गई है रॉबर्ट ब्रूस, किंग ब्रूस और स्पाइडर की, वो यही बताती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए. सो हियर इज द चैप्टर. रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ही वॉज अ किंग, पावरफुल किंग. ही हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. ही फॉट मैनी बैटल्स एंड वन एवरी टाइम. वंस ब्रूस अटैक द किंग ऑफ इंग्लैंड, बट दिस टाइम ही लॉस द वॉर. ही हैड टू रन अवे फ्रॉम द बैटल टू सेव हिज लाइफ. His army was scattered and he was forced to hide himself in the mountains. So on a rainy day, Bruce sat down on the ground of cave. He was tired and sick. He gave up all hope. As he was thinking, he saw a spider was trying to spin a web on the wall. तो ये कहानी है रॉबर्ट ब्रूस की. ओके, रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एंड ही वॉज वेरी पावरफुल किंग. He had a strong army. He used to battle. Battle means ladaiyan. Ladaiyan ladta tha aur hamesha jeeta tha. But once when he was attacked, when he lost the war. So because of that loss, he has to run from there. He has to run away from the battlefield because he has to save his life. So ye bhaag ke jaake, उनकी आर्मी पूरी स्कैटर हो चुकी थी, मतलब बिखर चुकी थी. So he has to hide himself in the mountains. So एक दिन बारिश का मौसम था, जब ये माउंटेन्स में छुपे हुए थे, तो रॉबर्ट ब्रूस ने एक केव में जाके छुपे हुए थे, गुफा में. सो ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सिक. सो ही गेव अप ऑल होप दैट ही विल वन और ही विल गो बैक टू हिज किंगडम, ही विल फाइट फॉर हिज राइट्स और एनीथिंग लाइक दैट. ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप, मतलब उसकी सारी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी. सो व्हाइल ही वॉज थिंकिंग अबाउट इट, ही सॉ अ स्पाइडर. उन्होंने एक स्पाइडर को देखा, जैसे ये पिक्चर में देखिए स्पाइडर. ओके, रॉबर्ट ब्रूस देख रहे हैं. तो उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज द स्पाइडर वॉज ट्राइंग, ही वॉज गोइंग टू अप, ही वॉज क्लाइंबिंग द वेब. सिक्स टाइम्स ही फेल्ड, बट द स्पाइडर ट्राइड एंड ट्राइड. ही फेल्ड द ट्रेड फ्रॉम वन बीम टू अनदर, मतलब देखो स्पाइडर वेब बना रहा. तो एवरी टाइम ही फेल द शॉट, 6 बार उसने करते गया मगर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी. Poor creature, said Bruce. You do know what is failure. But the spider did not lose hope with 6 failures. With still more care, he was ready to try for the 7th time. So Bruce ye dekhke, poor fellow, Bruce thought, you cannot do it. To his surprise, the spider made it. Bruce almost forgot his own defeat. I too will try, cried Bruce. मतलब उनने देखा कि वो बोलता है नहीं तुम नहीं कर पाओगे, मगर स्पाइडर ने उम्मीद नहीं हारी. ही ट्राइड द 7th time.
सिक्स टाइम्स फेलियर के बाद सेवन टाइम उसने ट्राई करा एंड ही डिड इट टू सरप्राइज. सो उसके मन में उसने सब कुछ भूल गया कि उसके साथ क्या हुआ था. कुछ नहीं, उसके मन से यही निकला कि मेरे को भी ट्राई करना चाहिए. सो ही वेंट बैक, कलेक्टेड हिज सोल्जर्स टुगेदर, ही टोल्ड देम अबाउट हिज प्लान एंड सेंड देम आउट द मैसेज टू चीयर टू हिज डिसहार्टेंड पीपल. मतलब जिनकी ना उम्मीद हो गई थी, मेरे को बिल्कुल उदास थे, उन लोगों तक मैसेज पहुँचाया. उसने अपनी आर्मी कलेक्ट करी, ही कलेक्टेड ऑल हिज सोल्जर्स, उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट करा एंड सून दे फॉट अ बैटल. Bruce defeated the king of England. Then he returned to his kingdom and celebrated the victory of his with his people. मतलब वो जीत गया उस लड़ाई के बाद और उसने अपने लोगों के साथ जीत का जश्न बनाया. So what is the moral of the story? We should try and try again. Okay, we should not lose hope. So this is the exercise. You can mark it. Choose the correct words. Then question answers. Answer number 4 is very lengthy. It's given over here. Okay. So, but the correct format of writing is here. There was no space. So the half continuation of answer number 4 is here. So this was the chapter number 3. Thank you and have a good day.